In the heart of our community, there exists a highly skilled artisan, Nitin Gupta, who have dedicated his life to an ancient art form that resonates through time, and we take immense pride to work with such artisans who pour their heart and soul into crafting exquisite brass bells. Their dedication shines through in every bell they create. Each bell is a testament to their unwavering commitment to preserving the rich heritage of brass bell making while adapting to modern demands. Let's learn how these beautiful bells are made. First step, material selection. Artisan सबसे पहले material select करते हैं. The primary material used in making brass bells is brass, which is an alloy of copper and zinc. Second step, pattern making. Artisan सबसे पहले symbol create करते हैं wood पर और on another suitable material and is shaped to resemble the final bell. Third step, casting. ब्रास को मेल्ट करने के बाद उसे मोल्ड में डाला जाता है. मेटल के ठंडे होने के बाद इट टेक्स ऑन द शेप ऑफ द मोल्ड. फोर्थ स्टेप, फिनिशिंग. बेल कास्ट करने के बाद बहुत सारे फिनिशिंग प्रोसेस से गुजरती है, सच एज रिमूविंग एनी एक्सेस मटेरियल, स्मूथनिंग आउट रफ एजेस एंड पॉलिशिंग द सर्फेस टू गिव इट अ शाइनी एंड स्मूथ फिनिश. फिफ्थ स्टेप, ट्यूनिंग. ट्यूनिंग इज अ क्रिटिकल स्टेप इन मेकिंग अ बेल. ट्यूनिंग के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल को रिमूव करते हैं स्पेसिफिक एरिया से टू एडजस्ट द पिच एंड हारमोनिक्स. सिक्स्थ स्टेप, माउंटिंग एंड एसेसरीज. बेल को एसेसराइज करते हैं बाय यूजिंग कलरफुल ग्लास बीड्स एंड चेन्स. सेवन्थ स्टेप, डेकोरेटिंग. डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन, बेल को डेकोरेट करते हैं विद इंस्क्रिप्शंस और डेकोरेटिव एलिमेंट्स. दिस कैन बी डन थ्रू एनग्रेविंग, एचिंग और अदर मेथड्स. एट स्टेप, क्वालिटी कंट्रोल. बेल्स के रेडी होने के बाद क्वालिटी चेक करते हैं टू इंश्योर इट मीट्स द डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी, अपीयरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी. एंड इसी तरह हमारे पास आते हैं खूबसूरत से ब्रास बेल्स. जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी इस खूबसूरत सी जर्नी में, जहाँ आप और हम मिलकर जानेंगे हिंदुस्तान की खूबसूरत क्राफ्ट के बारे में.